आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। पंचकुला में विक्रमी संवत 2075 समारोह आयोजन समिति द्वारा 18 मार्च को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जबकि उद्योगपति दिनेश सिंगला विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। वहीं समारोह में मुख्य वक्ता ब्रह्म ऋषि बावरा जी आश्रम विराट नगर पिंजौर की पूज्य स्वामी डॉक्टर अमृता दीदी होंगी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सदस्य ईश्वर जिंदल और नारायण गुप्ता ने बताया कि हिंदू संस्कृति में विक्रमी संवत नववर्ष का बहुत महत्व है, लेकिन हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत को भूलता जा रहा है। इसलिए आयोजन समिति के लोगों ने फैसला लिया कि 1 जनवरी को मनाए जाने वाले नववर्ष की बजाय हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत जो नवरात्र से शुरू होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये नववर्ष मना रहे हैं, भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2075। इस बार संयोग से उस दिन रविवार है, 18 मार्च है, तो रविवार को शाम को आत्म ऑडिटोरियम सेक्टर 1 पुराना पंचकुला में एक कालका मोड़ से ठीक पहले वहाँ पर होगा, शाम को 5 से 8:30। उसमें मुख्य वक्ता होंगी पूज्य अमृता दीदी जी विराटनगर से, और हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय राज्यपाल जी हरियाणा के, और विशिष्ट अतिथि होंगे श्रीमान दिनेश सिंगला जी, जिनका हमें बड़ा भारी आर्थिक सहयोग मिला है। सारी हरियाणा में जितने जातिगत संगठन हैं सबका इसमें स्वागत समिति में नाम है। हम चाहते हैं कि सब मिल करके अपने घरों में भी उत्सव मनाएं और इस सामूहिक रूप से मनाएं। इस कार्यक्रम का आयोजन आत्म ऑडिटोरियम सेक्टर 1 में किया जा रहा है, जो शाम 5 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक चलेगा, और एक बच्चों का बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा। 5-6 कार्यक्रम है, ठीक 5:30 कार्यक्रम शुरू होकर के 8:30 बजे भोजन के लिए एकदम से व्यवस्था रहेगी। हम समय के पाबंद हैं, हम इंडियन टाइम को नहीं मानते, हम भारतीय समय को मानते हैं, इसलिए समय पर काम शुरू हो, समय पर समाप्त। सत्य खबर के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।